तो अगर हम बात करते हैं पलासिसकेट की भारत में तो भारत में जो है पलासस्केट का जो स्टेटस है एस सच अभी तक इतनी कोई इंटेंसिव रिसर्च तो हुई नहीं है लेकिन अगर हम मोटा मोटी बात करें तो ये करीबन हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं लद्दाख हिमाचल उत्तराखंड और सिक्किम ये वहीं पाई जाती है और अभी तक जो रिकॉर्ड्स मिले हैं वहीं से मिले हैं और क्योंकि बहुत ही रेयरली साइटेड कैट है तो इतना कोई काम भी नहीं हुआ अभी तक

लेकिन अभी इस बार अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सोशल मीडिया मीडिया पर आपने फोटो काफ़ी फ्लोट कर रहा था जो कि हंगरंग वैली से है किन्नौर की, की बाकी अगर उत्तराखंड की बात करें तो हाँ जो नीलोंग वैली है आपकी गंगोत्री में गंगोत्री नेशनल पार्क का जो पार्ट है वहाँ से करीबन दो तीन साल पहले वहाँ से कैमरा ट्रैप में प्लस स्कैट रिकॉर्ड हुआ था तो हमारा जो डब्ल्यू के एक रिसर्चर थी वहाँ पर उन्होंने वहाँ से रिकॉर्ड किया था जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि अभी तक उतनी स्टडीज़ हुई नहीं है बट अगर मोटा मोटी बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा जो अगर देखने को मिलती है तो लद्दाख में ही मिलती है अभी अभी तक जो देखा गया है लद्दाख में भी कई जगहों पे अभी रिकॉर्ड्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं जैसे मेरे केस में मुझे वो चांगथांग के जो कुछ एरियाज़ हैं वहाँ से मिली थी बाकी हेमिस से है उसके रिकॉर्ड्स और उले टोपो करके एक जगह है वहाँ से है और ऐसे ही अलग अलग हिस्सों से अब दिखना मतलब जो रिपोर्ट एक जो आप कहेंगे रिपोर्ट होना काफ़ी बढ़ चुका है लद्दाख में बाकी हिमाचल और उत्तराखंड और सिक्किम सिक्किम से भी एक रिकॉर्ड है अभी तक जो फ़ोटोग्राफिक एविडेंस की बात करूँ बाकी एक उत्तराखंड से और अभी जो रिसेंटली हिमाचल से आया सबसे पहले तो आज तक जो था कि एक फ़ोकस ही नहीं बन पाया क्योंकि हम हमेशा फैसिनेटेड होते हैं लार्ज कार से जस्ट लाइक जैसे टाइगर हो गया स्नो लेपर्ड हो गया या फिर लेपर्ड हो गया तो शायद वहाँ तक लोग जा नहीं पाए और दूसरी बात ये भी कि इतनी रेयरली साइटेड स्पीशीज़ है उतना दिखता ही नहीं तो एक रिसर्चर्स को भी लगता है कि अरे मतलब काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बहुत ही रेयर स्पीश डेटा मिलेगा नहीं मिलेगा तो वो भी एक वजह हो सकती है बट मोटा मोटी ये कि एक तो फंडिंग आपका उतना आज तक और कोई इंटरनेशनली भी उतना फोकस इंडिया की ओर नहीं था क्योंकि मंगोलिया वगैरह में काफ़ी अच्छा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा फोकस नहीं रह लेकिन अब अब जाके थोड़ा इंटरनेशनल जो साइंटिस्ट हैं जो रिसर्चर्स हैं वो अब थोड़ा फ़ोकस करने लगे हैं और इंडिया में भी अब थोड़ा बहुत काम हमने स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पर जैसा कि आपको अभी आए दिन फोटोज़ वगैरह दिखते रहेंगे आर्टिकल्स वगैरह मिल रहे हैं बट एक सिस्टमेटिक काम करने की ज़रूरत अभी भी है तो बाकी जो रिसेंट आपने देखा होगी लेपर्ड स्टेटस जो है तो उसके अंतर्गत भी जहाँ जहाँ कैमरा ट्रैपिंग हुई थी उसमें से कई जगहों पर प्लासिसकेट पाई गई है लद्दाख में अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का डेटा देखेंगे या उनसे बात करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा इस बारे में जी मनुल वर्किंग ग्रुप एक्चुअली ये आई का जो कैट स्पेशलिस्ट ग्रुप है उससे ही एफिलिएटेड एक वर्किंग ग्रुप है इसमें मेनली वो लोग हैं जो या तो मनूल पे रिसर्च कर रहे हैं या उस, उस पर इंटरेस्टेड हैं काम करने पे या मतलब उन पर इंटरेस्ट रखते हैं मोटा मोटा अगर हम वो और बहुत सारे देशों से इसमें मेंबर्स हैं जो अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ में काम करते हैं और क्या क्या रिसर्च एक्टिविटीज़ हो रही है उसके बारे में अपडेट करते हैं अवेयरनेस क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं या फिर नए प्रोजेक्ट्स क्या क्या आने चाहिए क्या क्या पॉलिसीज़ बननी चाहिए उस बारे में और फिर ये चीज़ें मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इसको बढ़ावा देते हैं प्लस अब जो नया अप्रोच अगर इंडिया में बात करेंगे तो उनका ये भी मन है कि अब वो थोड़ा गवर्नमेंट के साथ कोलेब्रेशन करके भी कुछ काम आगे बढ़ाया जाए हाँ मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि अभी तक जो कन्फर्म्ड रिकॉर्ड था वो आपको इसी लैंडस्केप से नहीं मिला था जो हिमाचल वाला है hmm. भले वो लाहौल स्पीति हो या फिर किन्नौर वाला जो कोल्ड रिट्स हैं बट इस साइटिंग के बाद हाँ अब ये कन्फर्म है कि चलो अब हिमाचल में भी इसका पुख्ता सबूत है होने के बाकी लोगों को मतलब अगर आप वैसे बात करेंगे वहाँ के लोगों से तो पहले से लोगों को पता है उस स्पीशीज़ के बारे में कि ऐसा दिखने वाला जानवर यहाँ पर मिलता है बट वो ये कि अगेन वेरी रेयरली साइटेड स्पीशीज़ है कम ही दिखती है बट अब हाँ अब इस रिकॉर्ड के बाद तो ऑफकोर्स अब पूरा जो एक चें पूरा जो कंटिन्यूस हैबिटेट आप बोल सकते हैं कि हाँ पूरा उसमें कन्फर्मड है लद्दाख से लेके पूरा सिक्किम तक जो ट्रांसी वाले एरिया है हमारा यहाँ पे तो मुझे लगता है कि एक तो नेचुरली मेरे ख्याल से स्पीशीज़ कमी क्योंकि और कार्नीवर्स और, और जो स्पीशीज़ हैं वो भी उस लैंडस्केप में मिलती हैं अब अगर आप लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर स्नो लेपर्ड है वुल्फ है लिंग्स है फॉक्सेज हैं टिबन फॉक्स और आपका रेड फॉक्स तो एक तो कंपटीशन भी शायद ज़्यादा है उस वजह से भी मेरे ख्याल से जो एक्टिविटी है उतना विजिबल नहीं है वो अपना पूरा अलग से उनका एक्टिविटी पैटर्न अलग रहता है प्लस यहाँ पर शायद नेचुरली कम हो जैसे कि मैंने बोला प्रे की बात करें तो इनका तो मेन आपको जैसे पता ही ये पाई का वो यही सब पे फीट ज़्यादा फीट करते हैं और हमारा यहाँ जो जो हैबिटेट है वो मेनली इसका कोल्ड जो ट्रांस हिमालयन रीज़न है वहाँ पर ही है और वो रीज़न भी लद्दाख छोड़ के उतना है नहीं बाकी स्टेट्स में मतलब काफ़ी कम प्रपोर्शन की बात करो तो स्टेट के काफ़ी कम प्रपोर्शन है तो जो मेजर ट्रांस हिमालयन पार्ट है वो सिर्फ आपका लद्दाख और लाहौल स्पीति में है अब बात यह है कि आगे का क्या है आगे का ये है कि देखिए आपको जैसे अभी पता होगा कि जो सी में अभी जो उसमें भी अपेंडिक्स टू में अब आ चुकी है ये स्पीशीज़ तो उसका एक ग्लोबल इम्पोर्टेंस तो बड़ा ही है और इंडिया में बात करें तो हमें कोलाब्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी मतलब भले वो सरकारी या गैर सरस्कारी कोई भी संस्था हो या इंस्टीट्यूशनस हों लाइक डब्ल्यू तो एक ज़रूरत होगी कि सब लोग मिल के काम करें और एक कोलाब्रेशन में काम हो क्योंकि लैंडस्केप बहुत वास्ट है चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अपने आप में एरिड जोन है तो वहाँ पे काम करना लॉजिस्टिकली उतना इजी नहीं है अगर आप कंपेयर करेंगे और लैंडस्केप से तो बट ये है कि आपको एक कहीं कही ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी और उसकी इकोलॉजी और जो भी स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में उसको जानने के लिए आपको और काम करना पड़ेगा आने वाले दिनों में